मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आप रोड पे भंडारा करा रहे हो, लेकिन आपने पूरी बहुत देर पहले दे दी है। ये सब्जी अब लेके आयो, जल्दी से डालो मेरे पत्तल में सब्जी। अरे बहन सोनिया जी, इस भंडारे का इंतजाम करने वाला मैं अकेला ही हूँ। अकेले ही पूरी बनाई मैंने, अकेले ही सब्जी बनाई है, और इस शहर में आने जाने वाले लोगों को भंडारे का खाना खिला रहा हूँ। बताओ बहन सोनिया जी, दो सब्जी है मेरे पास, एक तो रसीले आलू की सब्जी है, दूसरी कटहल की सब्जी है, कौन सी लोगी आप सब्जी? मोदी जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मेरे पत्तल में आलू की सब्जी और कटहल की सब्जी दोनों डाल दो। लेकिन मोदी जी ये कोई बात नहीं हुई, हमें तो पूरी तक नहीं मिली है, और आपने सोनिया जी को पूरी और सब्जी दोनों चीजें दे दी। योगी जी थोड़ी देर रुको तो, लाइन से ही तो सब्जी और पूरी देता हुआ आऊंगा मैं। आप सब लोग पंगत में लाइन से बैठी हुई हो तो लाइन से ही तो सब्जी देता हुआ आऊंगा और लाइन से ही पूरी दूंगा मैं सबको। मोदी जी आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो, आपने सोनिया जी को मायावती जी को पूरी दे दी, अब उनको आप सब्जी भी दे रहे हो। अरे हमें तो अभी तक पूरी तक नहीं मिली है, कम से कम पूरी तो दो हमें। योगी जी लाइन से मैंने सबको पूरी दी थी, पता नहीं तुम्हें कैसे मैं पूरी देना भूल गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर का इंतजार करो, अभी पूरी मंगवाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपने तो मुझे सिर्फ एक ही पूरी दी है। अरे एक पूरी तो मैं एक बार में खा जाती हूँ, कम से कम 10-15 पूरी दो। अरे बहन मायावती जी, इस भंडारे का खाना शाम तक चलाऊंगा मैं रोड पे, पहले एक पूरी तो खाओ, उसके बाद और पूरी दे दूंगा मैं। वैसे बहन सोनिया जी बताना, आलू की सब्जी कैसी बनी हुई है? मोदी जी आलू की सब्जी तो इतनी खास है नहीं, लेकिन आपकी कटहल की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। पता नहीं राहुल भी आज कहाँ पे रह गया, वो भी भंडारे का खाना खा लेता, कहाँ पे घूमने निकल गया। अखिलेश सुबह तुम्हारे साथ था राहुल नहीं आया तुम्हारे साथ भंडारे का खाना खाने। सोनिया जी सुबह तो राहुल भैया मेरे ही साथ थे, पता नहीं कहाँ पे निकल गए। मैंने कहा भी कि मोदी जी भंडारा करा रहे हैं रोड पे, खाना खाने चलते, लेकिन वो मेरे साथ आए नहीं। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, मुझे तो आपकी आलू की सब्जी और कटहल की सब्जी दोनों अच्छी लग रही है, लेकिन पूरी और मंगवाओ जल्द से जल्द। देखो अखिलेश, मैं इस भंडारे का खाना अकेले खिला रहा हूँ, जब मैं सबको सब्जी दे दूंगा उसके बाद तुम्हारे लिए पूरी ला दूंगा। और एक बात कह देता हूँ, खाना खाने के बाद योगी जी और अखिलेश आप कहीं जाना मत, मेरे साथ लोगों को भंडारे का खाना खिलवा देना, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लो जी बन के तैयार हो गया मटर बिरयानी का भगोना, आ जाओ सब लोग ले लो जल्दी जल्दी। अरे लालू जी लगता है चावल ज्यादा रख दिए थे भगोने में, कुछ ज्यादा ही बाहर को निकल के आ गए, बहुत भगोने में चावल थे। अरे मोदी जी तुम्हें तो आफत रहती है, मैं कह रहा था कि 1 किलो कम डालो इस भगोने में चावल, 1 किलो कम डालो, और तुमने मटर भी ज्यादा डाल दी, 3 किलो मटर डालिए इस पूरे भगोने में, इसीलिए ज्यादा हो गए भगोने में चावल, बाहर को निकल के आ रहे हैं, उफान मार रहे हैं बाहर को। अरे मोदी जी कब से प्लेट लिए खड़ी हूँ, तैयार हो तो गया ये मटर बिरयानी का भगोना, पक तो गई तुम्हारी मटर बिरयानी, दे दो एक प्लेट में निकाल के मुझे मटर बिरयानी, बहुत तेज भूख लगी है, दे दो जल्दी जल्दी। अरे मोदी जी मुझे इसमें दे दो, इसमें निकाल दो, जितनी भी मटर बिरयानी आए इसमें निकाल दो, ये हाथ में है जो मेरे। अरे राहुल कैसी बच्चों जैसी मजाक करते हो, कतई अब भी तुम बच्चे के बच्चे ही हो। सोनिया जी समझाओ ना इसे, ये तो पूरी टब ले आया, अरे इस टब में पूरा भगोना आ जाएगा, इतना मैं तुझे कहाँ से दूंगा। अरे छोटी सी प्लेट लेके आ घर से, जैसे तेरी मम्मी लेके आई है, सोनिया जी इस टब में नहीं दूंगा मैं तुझे। अरे मोदी जी हमारे घर में एक ही प्लेट है, और वो भी मम्मी जी ले आई, तो मुझे तो किसी चीज में लेना ही थी, मैं ये टब उठा के ले आया, इस टब में दे दो मुझे मटर बिरयानी, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी दे दो, इसी को खाऊंगा मैं मटर बिरयानी को। अरे कैसी बात करते हो राहुल, तुम्हें भी भूख के टाइम मजाक सूझी है, हमें भी इतनी तेज भूख लगी है, अरे तुम इस टब में सारी मटर बिरयानी मोदी जी की ले जाओगे तो हमें खाने को क्या मिलेगा। वो देखो खाट पे अखिलेश जी कब से बैठे हैं, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं खाने की, बहुत टाइम से भूखे बैठे हैं वो भी खाट पे। अरे मोदी जी राहुल की भी मटर बिरयानी मेरी प्लेट में दे दो, ये तो ऐसी हरकतें करता रहता है, जा घर जा टब लेके आ गया, टब में तो पूरा भगोना आ जाएगा, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तुम्हारी मटर बिरयानी में से। लालू जी तुम्हें किस चीज में दूं, तुम तो खाली हाथ बैठे हो, अखिलेश भी बिल्कुल खाली बैठा है बिना प्लेट के, जाओ प्लेट लेके आओ घर से तभी दूंगा। और भाइयों को कैसी लगी मटर बिरयानी, वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे क्या बताऊं योगी जी, ABCD याद होने में नहीं आ रही है, तुम बहुत जल्दी याद कर लेती हो। अरे मुझे बताओ किस तरीके से याद करती हो तुम। ऐसा करो तुम ABCD मुझे सुनाओ, अगर कोई गलती होगी मैं बताऊंगा। ABDPQMNS
अरे भाई राहुल एबीसीडी सुना रहे हो या किसी के नाम की स्पेलिंग बता रहे हो? जी मुझे शुरू से लेके आखिर तक एबीसीडी याद है, मुझसे तो सुन सकती हो तुम। बहुत बढ़िया अखिलेश, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, एक बार सुना के दिखाओ। ए बी बाई जेड। अरे अखिलेश ये क्या सुना दिया तुमने, शुरू के दो वर्ड सुना दिए, आखिर के दो वर्ड सुना दिए। अरे भाई योगी जी यही तो मुझे एबीसीडी शुरू से लेकर आखिर तक याद है, शुरू की भी याद है आखिर की भी याद है। अरे मोदी जी तेजी से रिक्शा चलाओ, ऐसे तो तुम कल तक घर पहुँचाओगे। अरे अखिलेश तुम्हारी एबीसीडी सुनने लगा था इसीलिए हल्के हल्के चलाने लगा था, अब तेजी से चलाऊंगा। वैसे अखिलेश तुम्हें पूरी एबीसीडी याद है, राहुल को याद नहीं है पूरी। और राहुल मम्मी से कह देना जरा महीना हो गया है रिक्शे का पैसा दे दे महीने का, योगी जी तुम भी दे देना, अखिलेश तुम भी दे देना, रिक्शे में थोड़ा काम करवाना है, बार बार पंचर हो रहा है। अरे बहुत तगड़ी ड्यूटी है तुम्हें रोज स्कूल से लाना और रोज सुबह स्कूल छोड़ के आना, कम से कम मेरे पैसे का तो ध्यान रखा करो। जी हमने कभी लेट थोड़ी किया तुम्हारा पैसा, महीना होते ही दे देते, आज मम्मी से कह के दिलवा दूंगा तुम्हें। अरे बहुत मेहरबानी राहुल, मैं भी तुमसे कोई जबरदस्ती पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें याद दिलवा रहा हूँ कि महीना हो गया। अरे ये लालू सर जी बड़ा गलत टाइम पे मिल गए, ये बड़ा परेशान करेंगे। रोको भाई रोको, रोको मोदी जी रोको अपने रिक्शे को। जी लालू सर जी बोलिए क्या बात है? अरे मोदी जी मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया है लेकिन तुम मेरी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो। अरे मैंने तुमसे कहा है कि अपने रिक्शे पर इतने ज्यादा स्टूडेंट मत बैठाला करो। अरे कहीं रिक्शा पलट उलट गया गड्ढे में पड़कर तो कितने स्टूडेंटों को चोट लगेगी, ओवर लोड लेके चलते हो रिक्शे को। तुम मेरे पुराने मित्र हो इसलिए मैं सख्ती से नहीं कहता हूँ, आज के बाद स्टूडेंट इतने मत बैठाना अपने रिक्शे पर। चलो लालू जी जैसी तुम्हारी मर्जी, स्टूडेंट कुछ कम कर दूंगा अपने रिक्शे पर। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी आपके टमाटर की बहुत पैदावार हुई इस बार, हमारे तो खेत में भिंडी इस बार ज्यादा पैदा ही नहीं हुई। योगी जी मजाक तो बनाया मत करा करो, तुम्हारी भिंडी बहुत पैदा हुई है, ये कुना कहो कि हमारा टमाटर ही ज्यादा पैदा नहीं हुआ। पिछली बार मेरे खेत में 5 क्विंटल टमाटर पैदा हुआ था, इस बार 3 क्विंटल टमाटर मुश्किल से पैदा हुआ है। और भाई हमारे बैंगन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा बैंगन तो खेत में बहुत ज्यादा निकला है। वैसे मोदी जी कल तो आपके टमाटर सबसे पहले बिक गए थे, आज देखते हैं किसकी टोकरी जल्दी खाली होती है, मेरे बैंगन जल्दी बिकते या योगी जी की भिंडी या मोदी जी के टमाटर। अरे अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ खरीदेंगे। रुक जाओ तीनों लोग रुक जाओ, सब्जी खरीदेंगे हम। अरे भाई लालू जी रुक गए और सब्जी खरीदोगे हमसे? कोई हम सोना चांदी थोड़ी बेच रहे हैं जो सोना चांदी खरीदोगे। क्या कहते हो अखिलेश, आज टमाटर की चटनी बनाई जाए, मोदी जी के टमाटर खरीद लो। देखो लालू जी मैं आपके साथ रहता हूँ इसका ये मतलब नहीं आप जो चीज बनाते रहे मैं खाता रहूं। कल आपने रसीले आलू बनाए वो मैंने खा लिए, देखो आज तो मैं बैंगन की सब्जी खाऊंगा, बैंगन खरीदो आज। देखो बैंगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बैंगन बिल्कुल नहीं खाऊंगा, टमाटर की ही चटनी खाऊंगा मैं, टमाटर खरीद लो। देखो राहुल चमचमाते हुए बैंगन बेच रहा है ताजे ताजे, वो ही खरीद लेते वो ही पकाएंगे आज। मैंने तुमसे कहा अखिलेश देखो मैं टमाटर की ही चटनी खाऊंगा, मोदी जी के टमाटर देखो कितनी बढ़िया है। अरे लालू जी अखिलेश आप आपस में टमाटर बैंगन लगाए हुए हैं, कम से कम भिंडी की तरफ भी देख लो, मैं भिंडी बेच रहा हूँ भिंडी खरीद लो। ये सही बात है योगी जी बिल्कुल सही कह रहा है। अखिलेश ना आज तुम बैंगन खाओ ना मैं आज टमाटर की चटनी खाता हूँ, अपना दोनों लोग मिलकर भिंडी की सब्जी पकाएंगे। वैसे तो लालू जी मैं आपकी कभी बात मानता नहीं हूँ लेकिन आज मान लेता हूँ। चलो योगी जी भिंडी दे दो 5 रुपए की। अरे अखिलेश 5 रुपए की भिंडी तो अकेले तुम खा जाओगे, 15 रुपए की भिंडी खरीदो। इसीलिए लालू जी मैं आपके साथ खाना नहीं बनाना चाहता, आप खर्चा बहुत करवाते हैं। चलो भाई 15 रुपए की भिंडी दे दो, क्या करा जाए, जब इनके साथ खाना बनाना शुरू कर दिया है तो इनकी मानना पड़ेगी। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।